नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। जमशेदपुर के परसुरी थाना अंतर्गत बारीगोड़ा के दुकानदार इन दिनों दहशत के माहौल में दुकानदारी करने को विवश है, जहां लगातार अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। अपराधी बेकौफ होकर चोरी, मारपीट, रंगदारी, लूट जैसी घटना को अंजाम देने में सफल हो रहे हैं। एक तरफ राज्य के मुख्यमंत्री लगातार अपराध पर अंकुश लगाने के लिए बैठक कर प्रत्येक जिले के SSP को निर्देश देते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जमशेदपुर में अपराधी बेलगाम होते नजर आ रहे हैं। लगातार अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इन दिनों अपराधियों द्वारा परसुरी क्षेत्र में अपराधी बेलगाम होकर चोरी, छिनताई, दुकानदारों से जबरन वसूली कर पूरे क्षेत्र में दहशत कायम कर रहे हैं। विरोध करने पर दुकानदारों को अपराधियों द्वारा मारा पीटा भी जाता है। स्थानीय दुकानदार राजीव सिंह बताते हैं कि शाम के वक्त नशे की हालत में अपराधी क्षेत्र में तांडव मचा रहे थे। मना करने पर अपराधियों द्वारा उनके और उनके पुत्र की पिटाई कर डाली। डोमा राज पर राजीव, अमन, इनका गैंग इन दिनों पूरे क्षेत्र में सक्रिय है। थक हार कर स्थानीय दुकानदार अपनी अपनी दुकानों को बंद कर विरोध जताते नजर आए। बुधवार रात अपराधियों ने दो दुकानों में चोरी की और कई दुकानों में पथराव किया। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। स्थानीय दुकानदार हरिशंकर गिरी कहते हैं कि पिछले कई महीनों से सारे दुकानदार परेशान हैं और जब तक कार्रवाई नहीं होती है तब तक दुकानें नहीं खोली जाएंगी। वहीं जब हमने पुलिस को इस संबंध में बात करना चाहा तो उन्होंने जांच की बात कहकर कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। मामला ये हुआ कि पी खा के लोग बवाल कर रहा था, मेरे लड़का किया बोलने के लिए, मेरे लड़के को मारा। कल शाम को आकर 20-25 लड़का हमको भी मारा, मेरे लड़के को भी मारा। बाजार में भी दंगा फसाद किया। तो आप लोग आज ये बाजार पूरा बंद क्यों किए? बाजार बंद किए कि प्रशासन कुछ करे हम लोग के लिए, कुछ सुरक्षा प्रदान करे। अच्छा, कितने दिनों से ऐसा चल रहा है? ये तो 6-7 महीने से चल रहे हैं। पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं? कोई नहीं। हम लोग का मेन प्रदर्शन है कि आए दिन यहाँ दुकान के ऊपर कुछ चोर चुहकों के चलते सारे दुकान वालों को डिस्टर्ब किया जा रहा है, जिससे हम लोग आक्रोश होकर अपना दुकान को बंदी करने का निर्णय किया। कितने दुकान है यहाँ पर? कुल कम से कम आपको 150 के आसपास सभी दुकानदार हैं। सारे दुकानों को बंद कर दिया गया है? हाँ जी। पुलिस से आप लोगों ने शिकायत नहीं की है? हाँ नहीं, पुलिस से हमने शिकायत की है, जिसमें हम लोग को आश्वासन मिला। आश्वासन के हिसाब से हम लोग उन्हीं की उम्मीद में अभी तक ठहरे हुए हैं, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। दुकान कब तक बंद रखेंगे आप लोग? दुकान तो हम लोग को जैसे हमारे बाजार के कमेटी के मान्यता है कि आज पूरे दिन तक के ही रखने का है। जैसा उन लोग का अगर निर्णय होगा उसके बाद हम लोग आगे तक हम लोग आगे तक की हम लोग कर सकते हैं। जमशेदपुर पुलिस ने बोराम थाना क्षेत्र के दो अलग अलग मामलों का खुलासा करते हुए 4 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराधियों का नाम परिमल सिंह, बुधवेश्वर सिंह, अजय गुराई और सुधन्या गुराई है। पुलिस ने इनके पास से 44,000 रुपए नगद, 3 मोबाइल, कांड में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, चाकू, लोहे का रॉड और स्टील का बक्सा बरामद किया है। इसकी जानकारी देते हुए जमशेदपुर SSP डॉक्टर एम तमिलवनन ने बताया कि बीते 14 जनवरी को वादी मानिक चंद्र महतो, जो आसू के प्रखंड अध्यक्ष है, उनके द्वारा घर में घुसकर डकैती करने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके अलावा 23 जनवरी को हाथीखेदा मंदिर के पुजारी गिरजा प्रसाद सिंह सरदार द्वारा भी चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। दोनों ही मामले को लेकर एक SIT का गठन किया गया था, जिसमें पटमदा अंचल के DSP एवं बोड़ाम थाना तथा पटमदा थाना के पुलिस पदाधिकारियों को भी शामिल किया गया था। SIT टीम द्वारा प्रोफेशनल तरीके से अनुसंधान करते हुए उक्त दोनों कांडों में संलिप्त 4 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त हथियार, मोटरसाइकिल तथा लूटे गए रुपए बरामद किए गए हैं। और उन्हें जो है 23 तारीख को, 23 जनवरी को एक और घटना कारित की गई थी। हाथीगोड़ा मंदिर के पुजारी गिरिजा प्रसाद सिंह सरदार जी के घर पे 10-12 लोग जाके डकैती करने के लिए प्रयास किया गया था, लेकिन सफल नहीं हो पाया। उनके CCTV कैमरा वगैरह तोड़ दिया गया है। तो ये दोनों घटना विभिन्न वीक होने पे बोड़ाम थाना जैसे रूरल थाना क्षेत्र अंतर्गत हम लोगों के लिए इसको काफ़ी संवेदनशीलता के साथ लिए हैं और रूरल SP के परिवेक्षण में, डायरेक्शन में और DSP पटमदा के नेतृत्व में एक टीम हम लोग जो है गठन किए हैं, जिसमें बोड़ाम थाना प्रभारी, फिर पटमदा और अगल बगल के बाकी जो थाना के सदस्यगण, ये लोग मिलकर इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से ये लोग बारीकी से इसमें अनुसंधान किए हैं और डिटेक्शन करने के लिए कार्रवाई की है। और हम लोग को इस दोनों घटना का जो शामिल हुए हैं गैंग को हम लोग इसमें पर्दा खोले हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के नए लोकपाल के पद पर सनत कुमार महतो की पदस्थापना की गई है। इससे पूर्व समाज सेवा के कार्यों में भी जुड़े रहे उन्होंने सरकारी महकमे में भ्रष्टाचार को रोकना पहली प्राथमिकता बताई।
गौरतलब हो कि सरकारी महकमे में होने वाले भ्रष्टाचार एवं उनकी शिकायत के आधार पर उन पर नकेल कसने हेतु तमाम जिलों में लोकपाल की नियुक्ति की जाती है। पूर्वी सिंहभूम जिले में सनत कुमार महतो की नियुक्ति लोकपाल के रूप में की गई है। जमशेदपुर में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कहा कि ये उनकी प्राथमिकता सरकार द्वारा लाए गए जनहित की योजनाओं को बिना भ्रष्टाचार के जनता तक पहुंचाना है। इस कार्य को वे पूरे निष्ठापूर्वक करेंगे। जहां भी गड़बड़ी की शिकायत मिलेगी वहां वे खुद पहुंचकर इसकी जांच करेंगे और भ्रष्टाचार को रोकने में अपनी पूरी सहभागिता जिला प्रशासन को देंगे। किसी तरह की भ्रष्टाचार न हो और उसको रोकने के लिए दरित कार्रवाई करना है, उसको रोकने के लिए लोकपाल की नियुक्ति हुई है और मैं एक लोकपाल कोशिश करूंगा इसमें समन्वय स्थापित करके कम से कम वो जो पलायन हो रहा है वो रुके और लोगों को काम मिले और सही ढंग से काम मिले, सही तरह का भुगतान। पूर्वी सिंहभूम जिले के एमजीएम थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाला मामला प्रकाश में आया, जहां कालाझोर ग्राम में एक पेड़ से युवक और युवती का शव गुरुवार सुबह पुलिस ने बरामद किया है। शव मिलने की जानकारी पर ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई थी। युवती का नाम रानी और युवक का नाम कुश बताया जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि शव प्रेमी युगल की है। इधर शव मिलने से लेकर तरह तरह की चर्चा जारी है। युवक और युवती कालाझोर के रहने वाले हैं। यह गांव दलमा पहाड़ से सटा हुआ है और सुदूरी इलाका है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। दोनों का प्रेम चल रहा था, रात में आके आम का पेड़ में फांसी लगाई। कहाँ रहता था दोनों? कालाझोर में। दोनों की गांव क्या है? दोनों एक ही गांव। क्या नाम है लड़का का? लड़का का नाम कुश सिंह। लड़की का? रीना सिंह। अच्छा, कितने सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था? उतना गाँव तो क्यों फांसी क्यों लगाया, कारण क्या है? मालूम कैसे फांसी लगा लिया। जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना क्षेत्र के जोन नंबर 11 में संपत्ति विवाद को लेकर बड़े भाई ने अपने छोटे भाई और चाची को मारपीट कर घायल कर दिया। दोनों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लाया गया है, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। पिटाई से घायल हुए छोटे भाई मुकेश ने बताया कि दो दिन हुए मां का श्राद्ध कर्म समाप्त हुआ है। बड़े भाई राकेश ने अपनी पत्नी बबली देवी, साला, छोटू सास एवं मौसियों के साथ मिलकर बंटवारे को लेकर घर में विवाद शुरू कर दिया और आज चाची नीतू देवी और भाई मुकेश को जमकर पीट दिया। हमले में घायल मुकेश ने बताया कि मां के साथ गर्म समाप्त होते ही बड़ा भाई और भाभी संपत्ति विवाद को लेकर घर में कलह शुरू कर दिए। बात बात में गाली गलौज और बंटवारा को लेकर हर दिन घर में विवाद रह रहे थे। आज भी अचानक विवाद शुरू हो गया और लाठी डंडे से चाची नीतू देवी और मुझे मारपीट कर घायल कर दिया। फिलहाल दोनों घायलों का एमजीएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामले की जानकारी बिरसा नगर थाने पुलिस को दे दी गई। मामा सर कर गई थी, वो लोग आया हुआ था तो 10 दिन होने के बाद फिर वो लोग ड्रामा करना चालू कर दिया। पूरा गाली जो पार हो रहा था गाली गलौज गंदा गंदा गाली, अभी छत में जादू टोना होना कर रही है। पूरा मोहल्ला में मतलब उघाड़ के पूरा मोहल्ला को जना रही है कि ये है वो है, पूरा सोना चांदी चाहिए, संपत्ति चाहिए। अच्छा, तो कौन लोग मारा फिर? बड़ी भाभी। क्यों, किस लिए, क्या बोल रही है? संपत्ति के लिए। नेसा थाना क्षेत्र अंतर्गत बैजना कॉलोनी के काली मंदिर के निकट रामेश्वर शाह के यहां दिन के उजाले में अज्ञात चोरों ने हाथ साफ किया। भुक्तभोगी रामेश्वर शाह ने बताया कि वो हटिया बाजार में आलू प्याज बेचते हैं। प्रतिदिन के भांति आज भी आलू बेचने गए थे, लेकिन जब शाम को घर वापस आए तो घर के दरवाजे का ताला टूटा हुआ देखा। जब अंदर का नजारा देखा तो पांव तले जमीन खिसक गई, अंदर सामान बिखरा पड़ा था। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी अपने बेटे के साथ सूरत गई थी। उन्हें पूरी जानकारी नहीं कि क्या चोरी हुआ और क्या नहीं, लेकिन उनके बिस्तर के नीचे 2000 रुपए रखे थे। जब बिस्तर के नीचे देखा तो पैसे बिस्तर के नीचे नहीं थे। संदेह था कि पड़ोस के कुछ शरारती लड़कों का ये कारनामा है।
पुलिस को सूचना दे दी गई है। अगर पुलिस सख्ती से पूछताछ करेगी तो मामला साफ हो जाएगा। सुबह 8 बजे अपना चल देते हैं व्यवसाय करने के लिए, आलू प्याज बेचते हैं हटिया में। शाम को इधर से 6 बजे आते हैं, आकर के गौ हमारा जो है यहाँ घर में, आकर के उसको हम देखा कि यहाँ से चोकर निकाल करके उसको देंगे। ताला यहाँ सब बिखरा हुआ था, मेन ताला वहाँ पर तोड़ा हुआ था, हमारा हका बका बंद हो गया। मेरा परिवार यहाँ नहीं है, सूरत में है, बक्सा में क्या रखा था नहीं रखा था। हम 2000 रुपया यहाँ दराज जो है उसमें रखे थे, हमारा पैसा वहाँ में नहीं है। बक्सा में क्या गया है नहीं गया है परिवार जानती है, उसको हम पूछेंगे क्या गया है नहीं गया है, थाना में एप्लीकेशन देंगे। धनबाद जिले के निरसा थाना क्षेत्र के मुगमा मिडिल स्कूल मोड़ पर देर रात अवैध कोयला कारोबार में आपसी रंजिश को लेकर अज्ञात युवक ने गोली चला दी। गुरुवार को बताया जाता है कि बुधवार रात गोली मुगमा स्टेशन निवासी रवि अधिकारी नामक युवक के पीठ में लग गई, इससे वह घायल हो गया। गोली पीठ में फंसी हुई है। गोली से घायल युवक को स्थानीय लोगों ने स्थानीय चिकित्सक से प्राथमिक उपचार कराया। चिकित्सक ने एक्सरे कराने को कहा, एक्सरे में गोली पीठ में फंसी होने की पुष्टि हुई है। इसके बाद स्थानीय लोग निरसा पुलिस से अज्ञात लोगों द्वारा गोली चलाने की शिकायत की है। हाई स्कूल के पास एक गुमटी के पास रुका हुआ था बारिश के कारण, और बारिश के कारण रुका हुआ था तो कुछ आवाज़ हुआ, तो इस लोग 4-5 आदमी थे, लेकिन ये लोग समझ नहीं पाया कि क्या बात है। तब तक थोड़ा देर के बाद करता है कि मुझे पीठ में दर्द हो रहा है, तो लोग खोला उसका कपड़ा खोला तो देखा कि खून बह रहा है, तो तुरंत इसको कहीं अस्पताल में ले गया, प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए। ये लोग समझा कि कुछ रड मैंने घुसा हुआ है, लेकिन वहाँ डॉक्टर जब एक्सरे किया तो बताया कि इसमें गोली फंसा हुआ है। तो ये लोग नहीं जान रहे हैं कि गोली किसने चलाया और काहे चलाया। हम जब उनसे पूछे कि कोई दुश्मनी है तो वे लोग नहीं बताए कि नहीं, हम लोगों को किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। तो इसमें जांच कर रहे हैं, FIR दर्ज हुआ है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। जख्मी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार धनबाद रेलवे स्टेशन परिसर में आज़ादी का अमृत महोत्सव बाइक रैली निकाली गई। कार्यक्रम में मंडल रेल प्रबंधक धनबाद आशीष बंसल और RPF के सीनियर कमांडेंट हेमंत कुमार ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। DRM आशीष बंसल ने बताया कि देश की आज़ादी में जो कुर्बान दिए हैं उनके याद में बाइक रैली निकाली गई, जो धनबाद से गुम होते हुए कोडरमा तक जाएगी। RPF के सीनियर कमांडेंट हेमंत कुमार ने बताया कि आज़ादी महोत्सव में बाइक रैली निकाली गई जो गोमो होते हुए हजारीबाग रोड कोडरमा बरकाकना तक जाएगी। इसी क्रम में यात्रा स्टेशन के अगल बगल में रहने वाले लोगों को जागरूक भी की जाएगी। जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, इसका 75वां हम ये मना रहे हैं अपना आज़ादी का, तो इसमें जो जो हमारे देश के आज़ादी के लिए वीरों ने कुर्बानी दी, पूरा जीवन अपना लगा के इस देश को आज़ादी दिलाई, उसी को लोगों को याद दिलाने के लिए कि ये आज़ादी बहुत भारी कीमत पर मिली है, उसी के लिए हम लोग ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जैसे निर्देश मिले हुए हैं MHA से और हमारी रेलवे मिनिस्ट्री से। हजारीबाग कोडरमा, फिर हजारीबाग टाउन, फिर बरकाकाना जो रामगढ़ का इलाका है, वो सब जगहों पर जाएंगे, लोगों को अवेयर कराएंगे, उनसे मिलेंगे, और रेलवे के यात्री से जो रेल यूजर्स हैं, रेलवे के आसपास में रहते हैं, उन लोगों को अपने देश के आज़ादी के बारे में और रेल की वर्किंग के बारे में, RPF के बारे में। खतियान आधारित स्थानीय नियोजन की मांग को लेकर छात्र युवा मोर्चा ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। छात्रों ने रैली के माध्यम धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं छात्रों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि 1932 के खतियान आधारित स्थानियों को नियोजन दे। उन्होंने कहा सरकार भाषा की राजनीति कर रहे, ऐसा नहीं होने देंगे। 1932 के खतियान पर आधारित सरकार स्थानियों को नियोजन दे, अन्यथा हम लोग राज्यपाल का घेराव करेंगे। 32 के खतियान का आधारित भाषा लागू किया जाए, ठीक है, ये भाषा पर गलाना बंद होना चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, ये रोजगार नहीं तो हम लोग सरकार विरोध करेंगे, रोजगार देना पड़ेगा, युवा बेरोजगार है, युवा को रोजगार चाहिए, और ये भाषा को जो बरगला रही सरकार, देश को जो भटका रही है, ये नहीं चलने वाली, हम लोग इसका कड़ा विरोध करेंगे और आगे विरोध करेंगे। SGIHM Institute of Hotel Management Registered by Government of India Craft Course एवं Diploma Course Practical Class की सुविधा एवं 100% Job Placement करें अपने सपने को साकार। संपर्क करें SGIHM Institute of Hotel Management 3rd Floor DX Trade Center Near Ram Mandir Opposite Bandhan Bank Bistapur Jamshedpur।